माधवगढ़ में पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश से अवैध तरीके से मौरंग और गिट्टी का परिवहन की शिकायतें मिलने पर, जिसमें प्राइवेट कर्मचारी के माध्यम से सरकारी कर्मचारी द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी, इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चांदनी सिंह व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने देर रात मध्य प्रदेश बॉर्डर व थाना का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने माधवगढ़ उप जिलाधिकारी थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा है, साथ ही एक समिति बनाकर इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। जनपद में मध्य प्रदेश बॉर्डर की तरफ से माधवगढ़ क्षेत्र में जो ट्रकों का आवागमन होता है, जो मध्य प्रदेश की ओर से यहाँ आते हैं और यहाँ से मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, वहाँ पे कुछ दिनों से अवैध वसूली के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसमें बताया जा रहा था कि कुछ प्राइवेट आदमियों द्वारा गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनसे पैसे की मांग की जा रही है। इसके संबंध में हमने जांच करी है और क्योंकि शिथिलता बढ़ती गई है तो वहाँ पे क्षेत्र में जो SDM हैं और पुलिस हैं, थाना प्रभारी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उनके विरुद्ध हमने जांच बिठाई है, उनका स्पष्टीकरण मांगा है कि इसमें क्यों इस प्रकार की स्थिति आई है, इसके संबंध में उनसे आख्या मांगी गई है। इसके अलावा हमने वहाँ पे एक जांच समिति गठित की है जो सारे प्रकरण की जांच करेगी। वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, उसके माध्यम से हम CCTV फुटेज भी मंगा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ पे की गई हैं और कौन प्राइवेट आदमी इसमें इन्वॉल्व है। बहुत ही सख्ती से प्रशासन का इसमें रुख रहेगा। किसी भी प्रकार की अवैध वसूली अगर की गई है और अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी की इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी।